नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम डोर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ जो जारी की है SSC ने, और वो है SSC CGL टायर 1 का रिजल्ट। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि SSC की जो परीक्षा थी, CGL टायर 1 की परीक्षा, वो 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर कम से कम 9,78,103 कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हुए थे। अब देखिए, इसके अंदर जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ उसको रिजल्ट को अब डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अंदर क्या किया है, जिन्होंने भी टायर 1 को क्वालिफाई किया है उसके लिए 3 लिस्ट जारी किए इन्होंने SSC वालों ने। जो फर्स्ट लिस्ट है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की। दूसरी जो लिस्ट है वो है जूनियर स्टैटिक ऑफिसर की और स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर की। और जो तीसरी जो लिस्ट है वो बाकी बच्ची वो सारी की सारी पोस्ट की है, जैसे इसमें इनकम टैक्स हो गया, CID, CBI वगैरह सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था कि दिस एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। अब जो कैंडिडेट ने, जो मतलब 7 तारीख दूसरा महीना 2019 को वेबसाइट पे एक फॉर्मूला अपडेट किया गया था, यानी उसके अंदर क्या कहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन करने का जो फॉर्मूला था वो दिया गया था, एक नोटिस आया था SSC के द्वारा, उसके आधार पर बच्चों ने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए, इसके अंदर कट ऑफ जो है वो आपके सामने शो हो रही है। जो SC की कट ऑफ है वो है 156 नंबर, ठीक है। और जो कैंडिडेट थे इसके अंदर टोटल 1576 कैंडिडेट जो हैं वो इसके अंदर पास हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ST की जो कट ऑफ है वो है 151 नंबर, जिसमें कैंडिडेट ओनली 780 ही पास हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं OBC के लिए। OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके संख्या है 2904, और जो कट ऑफ लगी है वो लगी है 172। अब जनरल के अंदर जो EWS उसकी है 175, कैंडिडेट पास हुए हैं 1202, और जनरल की जो है UR जो कैटेगरी है उसकी है 180, और कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है 2074। OH और HH और अन्य जो PWD जो श्रेणी में आते हैं उनके भी कट ऑफ है वो 147, 117 और 83 नंबर है लिस्ट 1 के लिए, जो कि ऑडिट ऑफिसर की लिस्ट है, यानी WO जिसे बोलते हैं हम लोग, उसकी जो लिस्ट है उसकी जो कट ऑफ हाई जाती है। इसमें टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं यानी पास हुए हैं वो हैं 8,951। अब देखिए, लिस्ट नंबर 2 जो आई है स्टैटिक ऑफिसर के लिए, जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए, इसमें SC की जो कट ऑफ है वो 130, SC की कट ऑफ है 130, ST की 119, OBC की 154, AWS की 152, और जो जनरल कैटेगरी है उसकी 165 नंबर, और अन्य जो कैटेगरी आ गई HH, VH, OH और PWD इनकी क्रम से आपके सामने शो हो रही है। और टोटल जो कैंडिडेट पास हुए हैं इसके अंदर वो हैं 19,391। अब तीसरी जो लिस्ट आती है वो आती है इनकम टैक्स वगैरह सब के लिए, उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन जाती है, यानी कम जाती है, और जो ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ है वो सबसे हाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर SC की 115, ST की 104, OBC की 135 और EWS की भी 135, और जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 147 नंबर, और टोटल जो कैंडिडेट पास हुए इसके अंदर वो हैं 1,25,279। तो आप सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। अब देखिए, ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट। अब जो इसके लिए टायर 2 और टायर 3, यानी जिन्होंने टायर 1 क्वालिफाई कर लिया है वो जाएंगे टायर 2 के लिए और टायर 3 के लिए, जो कि एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक, और टायर 3 जो होगा वो होगा 1 नवंबर 2020 को। और जो SSC की जो एग्ज़ाम है 2019 का एग्ज़ाम है, अब देखिए भी आपको अगर SSC के लिए अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो दिनेश सर अपने यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो SSC CPU से सिलेक्टेड हैं। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, हमारे चैनल से 2 टीचर, त्रिवेंद्र सर और दिनेश सर, दोनों SSC CGL प्री को क्वालिफाई कर लिया है। तो ये थी आपके लिए अपडेट। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत।